साहू, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ टीवी न्यूज। आपका रखे हटके। आज की वीडियो में हम काफ़ी अच्छे आपको मैं न्यूज बताने वाला हूँ, सो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहली रिपोर्ट निकल के आई है ASUS की तरफ से। ASUS ने अपनी कुछ लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें ASUS ROG Pro एंड ASUS ROG Zephyrus हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसमें हमें 4 लैपटॉप देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में लॉन्च हुए हैं और इनकी प्राइसिंग भी लगभग बहुत हायर है। अब देखना ये होगा कि ये हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं और इनकी प्राइसिंग आगे चल के थोड़ी कम होती है या नहीं होती है। अगली रिपोर्ट निकल के आई है रेड मैजिक से रिलेटेड। रेड मैजिक 6R हाल ही में रिलीज हुआ है और बताया जा रहा है कि इसमें हमें 4400 हर्ट्ज की डुअल डिस्प्ले कंट्रोलर देखने को मिलेंगे, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप मोबाइल के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक फीचर इसमें दिया गया है। देखना ये होगा कि ये हमें कब तक इंडिया में देखने को मिलता है, ये इंडिया में आता भी है या नहीं आता है, और अगर आता है तो ये किस प्राइस पॉइंट पर हमें इंडिया में देखने को मिलता है। अगली रिपोर्ट निकल के आई है Redmi से रिलेटेड। Redmi ने अपने न्यू टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया, जो कि 4K टेलीविजन हैं और इसमें हमें 2 साइज़ भी देखने को मिलते हैं, एक 43 इंच का, एक 50 इंच का। और बताया जा रहा है कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे Redmi की तरफ से इंडिया में ये टेलीविजन और टीवी लॉन्च हुए हैं। अगली रिपोर्ट निकल के आई है PUBG मोबाइल से रिलेटेड। क्राफ्टन ने PUBG मोबाइल में ऑफिशियली 2 मिनी मैप्स के अनाउंसमेंट कर दिया है और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही जल्द हमें अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो इसका कोड नेम रखा गया है वो है Kiki एंड Tiger। अब देखना ये होगा कि ये मैप्स हमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में भी देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगली रिपोर्ट निकल के आई है Qualcomm की तरफ से। बताया जा रहा है कि Microsoft और Qualcomm ने पार्टनरशिप की है, जिसमें वो लोग एक सॉफ्टवेयर और एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं जिसका इस्तेमाल वो ARM ऐप्स को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ में। अब देखना ये होगा कि ये चीज़ हमें कब तक देखने को मिलती है और ये हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। अगली और लास्ट रिपोर्ट निकल के आई है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड। लीक्स के हिसाब से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हमें 3rd वीक में देखने को मिल सकता है जून की। और बताया जा रहा है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हमें PUBG मोबाइल में देखने को मिली थी, ये वैसे ही हमें इसमें देखने को मिलेंगी। और मैप्स के अकॉर्डिंग इसमें हमें एक सैंडबॉक्स का मैप पहले ही टीज होके मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हमें इंडिया में कब तक देखने को मिलता है और इसका फ्यूचर इंडिया में क्या होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही।